अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकोड़ा, और इसकी मैं जो रेसिपी बता रही हूँ वो बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से, और ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, ग्राइंड किया मैंने प्याज एक दरमियाने साइज का, उसमें दो चवे लहसुन के, और टमाटर मेरे पास पेस्ट बना हुआ पड़ा था फ्रीजर में, मैंने वो यूज किया है इसमें भी। और टमाटर आपको इसमें नजर भी आ रहे होंगे, ये जमा हुआ भी, ये जब पकेगा तो फिर मेल्ट होगा। और साथ ही मैंने एक बड़ा बाउल दही लिया, तकरीबन 3 पाव दही होगी। और ये इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें डालेंगे। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, और मैं उसमें ये पिसा हुआ मसाला शामिल कर दूंगी। ये देखे, ये प्याज लहसुन और ये टमाटर है, ये थोड़ा मेल्ट होगा अभी, जैसे गर्म होगा ये देखे टूट जाएगा। इसके साथ ही इसमें हम स्पाइसेस शामिल करते हैं। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी आप अपने जायके के हिसाब से हल्का तेज इस तरह इस्तेमाल करते हैं, और सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून और शामिल कर रही हूँ। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट्स अभी फिलहाल ले जाएंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जैसे इसका पानी खुश्क होगा ये जो, उसमें फिर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी, साथ ही मैं ग्राइंडर में दही शामिल करती हूँ, और उसमें बेसन तकरीबन हम 2-4 खाने की चम्मच इसमें बेसन डालेंगे, और वो हम ग्राइंड करते हैं। ये देखें, ये टमाटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें, और दूसरी साइड पे मैंने वो बेसन और वो भी दही ब्लेंड कर लिए। ये देखें, मैंने दही को और बेसन 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, ताकि ज़रा ज़्यादा देर पके, अच्छे से पके कड़ी। मैंने ये ब्लेंड करके पानी उसमें शामिल करके, और ये मैंने अलग बाउल में छान लिया है, ताकि उसमें कोई फुटकियाँ ना रहे दही की बेसन की। और साथ ही मैंने ये इमली ली है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करती हूँ, और मसाले को भूनेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं ये ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और ये भून रहा है मसाला हमारा। इतनी आसान ये रेसिपी है, बस आपने प्याज लहसुन टमाटर, चाहे तो अदरक यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मैं इसमें अदरक नहीं डालती। बस इनको भूनें, गलाएं, सॉरी ग्राइंड करें आप प्याज लहसुन टमाटर को, और देगची में डालें, ऑयल डालें, मसाले शामिल करें, भूनें, बस उसमें वो बैटर जो बना होता है दही पानी और बेसन का, वो शामिल करें, और फिर हल्की आंच पे इसे 1.5-2 घंटे पकने दें। और बेसन फिर मैं बनाऊंगी अभी थोड़ी देर तक पकौड़ों के लिए। इसकी ये भुनाई हो रही है, मैं फिर आपके सामने अभी शामिल करती हूँ ये दही वाला पानी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने मुझे दिखाया था आपको दही और बेसन वाला मिक्सचर, पानी शामिल किया हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अभी हल्की आंच पर एक बॉयल आ जाए, उसके बाद आप आंच हल्की कर दें। इसमें मैं हरी मिर्चें 3 से 4 अदद शामिल करूँगी, और इसे हल्की आंच पर पकने दूंगे, फिर वक्फे वक्फे से आपको दिखाती रहूँगी इसकी कंडीशन। जी ये देखें व्यूअर्स, कढ़ी हमारी बन रही है, लेकिन अभी इसे काफ़ी देर है, ये हल्की आंच पे बॉयल आ रहे हैं, इसे कुछ वक्फे वक्फे से चम्मच इसमें चलाते रहना है। जी व्यूअर्स, ये बेसन बना रही हूँ मैं पकौड़ों के लिए। इसमें मैंने आलू एक दरमियाना, एक प्याज और हरी मिर्ची काटी है कटिंग करके, और बेसन थोड़ा शामिल किया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक, सूखी कसूरी मेथी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, और बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। जी ये मुझे अजवाइन भी थोड़ी सी नज़र आ गई थी, मैंने अजवाइन एक चुटकी डाल दी है, और सफ़ेद जीरा भुना हुआ ये भी शामिल कर दिया। अब हम बेसन को घोलेंगे। जी व्यूअर्स, ये कढ़ी भी देखें पक रही है, और अभी गाढ़ी हो रही है, साथ ही बेसन भी रेडी हो गया है। इसमें मैंने ये हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर दिया है। बेसन मज़ेदार सा रेडी है, अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे, तब तक हमारी कढ़ी भी साथ रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं, कढ़ी हमारी बन चुकी है, और ये पकौड़े मैंने फिर से डाले हुए हैं दोबारा से,
बस अभी मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। कड़ी मजेदार सी रेडी हो चुकी है जी व्यूअर्स, हम कड़ी रेडी हो गई है। इसमें हम पकौड़े शामिल करते हैं। फ्लेम कर देंगे ऑफ और दूसरी साइड पे हम तड़का लगाएंगे जी। तो हम तड़के में ये जीरा शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च होती है छोटी, वो शामिल कर सकते हैं तड़के में। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ जीरे का तड़का लगा रही हूँ। और गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे, सूखी मेथी कसूरी और हरा धनिया। बस हमारी कड़ी मजेदार सी रेडी है। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस देख सके। बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करते हैं और जी ये पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी मैं शामिल करती हूँ और ये सूखी कसूरी मेथी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हरा धनिया शामिल करते हैं जी। तो आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं कड़ी की, बहुत मजेदार सी कड़ी रेडी है। आपने जरूर ट्राई करनी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।